हेलो नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में। तो फाइनली बीटी यूपी से इम्पोर्टेंट अपडेट आ चुका है। आप सभी के जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले हैं उनके एडमिशन आज से स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट फीस कब तक रहेगी, फीस जमा करने की सबको सब बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहेंगे और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है इसी वीडियो में कि अगर आपका ग्रेस लगा है या फिर आपका बैक लगा है तो क्या आपको जॉब लेने में परेशानी हो सकती है, इसमें भी हम चर्चा करेंगे। वो भी नोटिस उसका भी दिखाने वाला हूं। पहली बार आया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की अपडेट हम देते रहें, और ये हमारा टेलीग्राम है इसको जरूर ज्वाइन कर लें ताकि टेलीग्राम पर आपको आगे की पीडीएफ वगैरह हम प्रोवाइड कराते रहें। बात करेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ग्रेस मार्क्स होते हैं आप लोगों के उसको लेकर, उसके बाद नोटिस भी है हमारे पास कि कॉलेज कब खोलेंगे वो भी है हमारे पास, कितना फीस जाएगा वो सब बताएंगे वाले हैं। देखिए अगर आपका ग्रेस लगा है, ठीक है, देखो ये नोटिस इसमें बताया जा रहा है दो या दो से अधिक विषय दिए जाएंगे, ठीक है। जो आपका ग्रेस होता है, ग्रेस इस नोटिस में दे रखा है, दो से अधिक विषय में ग्रेस नहीं दिए जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और कुल मिलाकर 10 से अधिक कृपांग नहीं दिए जाएंगे, 10 नंबर से ज्यादा आपका ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा, है ना, ये भी है। और जो आपका ग्रेस मार्क्स होता है वो आपकी परसेंटेज में नहीं जुड़ता है, जैसे मान लो आपकी 70% आई है तो उसमें परसेंटेज में ऐड नहीं होता है, कोई भी विशेष इस पेपर इसके लिए आप नहीं दे पाओगे। इसका एक ही सलूशन है ग्रेस मार्क्स का कि आप क्या करो, रीचेक का फॉर्म फिलअप करो, ठीक है, यही सलूशन है। अगर मान लो कृपांग संबंधित करना है, इसमें अंकों का योग परिवर्तन के बराबर हो जाए, इस प्रकार जो डिवीजन में नहीं जोड़े जाते, कहने का मतलब ये भी देख सकते हो आप लोग, इसमें बता रहा है किसी अभ्यर्थी को योग्यता ऐसे देने में प्रभावित नहीं होगा, कहने का मतलब ये ग्रेस मार्क्स से आपकी मार्कशीट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आप समझ सकते हो। अगर आपकी बैक लगी है तो हो सकता है बैक से इफेक्ट पड़ जाए, तो बैक पेपर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेस मार्क्स से नौकरी पे इफेक्ट तब पड़ता है, जैसे मान लो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो बहुत सी कंपनियां होती है वो सेकेंड ईयर की मार्कशीट मांगती है, तो सेकेंड ईयर वाली मार्कशीट दिखाओगे तो आपका ग्रेस होगा, तो उसमें इफेक्ट थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन फाइनल ईयर की मार्कशीट में ग्रेस शो नहीं होता है। अगर आपकी बैग आई है तो भैया बैग तो शो आउट करेगा उसमें, तो वो तो समझ सकते हो बैग से प्रॉब्लम होगी। ये देख सकते हो नोटिस जारी किया गया है आपके एडमिशन को लेकर। देखिए संस्था में प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष यानी कि द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की जून 2022 में जो उत्तीर्ण छात्र को सूचित किया जाता है कि वह 30 तारीख रखी गई है इस कॉलेज में। आपके कॉलेज को डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज कब तक फीस जमा कराए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 30/9/2022 तक संस्था में 11,010 रुपए जमा करवाना सुनिश्चित करें। जो गवर्नमेंट फीस है ना, गवर्नमेंट कॉलेज को इसके बारे में बात कर रहे हैं, प्राइवेट की तो बहुत ज्यादा फीस होती है 30,000 के समथिंग। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, देखिए जो भी आपका पिछले अभी रिजल्ट आया है ना वो वाला रिजल्ट लगेगा, हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, एंटी रैगिंग पत्र लगेगा, रैगिंग घोषणा पत्र लगेगा अभिभावक द्वारा, फिर एक वोकेशनल ट्रेनिंग यानी समय ट्रेनिंग अगर आपने की है, हम आपसे बोल रहे थे समय ट्रेनिंग कर लीजिएगा तो आप सोचिए हमारी बात को मान नहीं रहे थे, तो समय ट्रेनिंग का जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रमाण पत्र यानी समर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी लगेगा यहाँ पर। ये केवल जो फाइनल ईयर के छात्र छात्रा है फिफ्थ सेमेस्टर वाले, ये उनके लिए है। और यहाँ पर एक नया ऑप्शन बढ़ गया है, रजिस्ट्री डाक निकट लगे हुए स्वयं का पता लिखे हुए दो लिफाफे, इसका साइज भी दे रखा है, ये चीजें हैं, ठीक है। ये कॉलेज कौन से कॉलेज से है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पीलीभीत से नोटिस जारी किया गया है, यहाँ पर डेट भी आप चेकआउट कर सकते हो, 20 तारीख के लिए नोटिस जारी किया गया है, तो ये भी है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला नोटिस हमारे पास जो आया है, वो आया है यहाँ पर, देखो इसमें इस तरीके से दे रखा है, ये किस कॉलेज से, ये भी एक विशेष स्पेशल कॉलेज से है ना, ये देखिए इसमें 11,010 रुपये, तो गवर्नमेंट फीस है ना कॉलेज की वो 11,010 ही है। और इसमें भी देखिए क्या क्या मांगा गया है, अंक तालिका है आपकी और लिफाफे तो इसमें मांगे गए, फीस रसीद है, ये सारी चीजें आपके कॉलेज में जमा की जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज आपका एडमिशन शुरू हो गया है, और ये भी देख सकते हो कि इस तरीके से बहुत से कॉलेज में इस तरीके से फॉर्मेट मांगा जा रहा है ना, तो ये कॉलेज का नाम देख सकते हो, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चित्रकूट, ये देख सकते हो है ना, बागपत से है, इस तरीके से रिजल्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर डिवीजन बैक पेपर है, तो इस तरीके से डिटेल्स मांगी गई हैं। तो ये रहा इंपॉर्टेंट अपडेट, ठीक है। तो देखिए ये तो इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपके एडमिशन शुरू हो गए हैं, इसकी लास्ट डेट भी मैंने आपको बता दी, आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक इसको फुल करवाए। हालांकि इस कॉलेज में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें तो आप देख सकते हो 30 तारीख लास्ट डेट है, तो आप लोग एडमिशन करा लो। अगर आपकी बैक है तो भैया बैक पेपर देना पड़ेगा, सबसे सोल्यूशन है रीचेक डाल दो, हो सकता है गवर्नमेंट ने चाहता आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। तो फिर डियर स्टूडेंट्स आज की स्टूडियो को ये प्रेजेंट करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।